इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब शायकी ने क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज। दुनिया क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी जंग कुछ देर के बाद एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान और भारत की टीमें होंगी मद्दे मुकाबिल। रिवायती हरीफ 2019 के आलमी कप के बाद आज टकराएंगे। मैच में बारिश की मुदाखलत का इम्कान। कैंडी में रिमझिम जारी। ग्राउंड स्टाफ ने पूरे स्टेडियम को कवर से ढांप दिया। शायकी ने क्रिकेट की बारिश थम जाने की दुआएं। भारत के खिलाफ कौन कौन मैदान में उतरेगा, बाबर आजम ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। नेपाल के खिलाफ मैच खेलने वाली टीम बरकरार। सूरमाओं पर पाकिस्तानी पेस बैटरी की दहशत। भारतीय कप्तान शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ से खौफजदा। कई साल के बाद पाकिस्तान फेवरेट और भारतीय टीम दबाव में। ये मैच नहीं जंग है, पाक भारत मैच के लिए शायकीन पुरजोश। सबको मैच का बेसब्री से इंतजार। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआएं। शाहीन और नसीम शाह से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें। मलून सलमान रुश्दी का वकील अब पीटीआई की वकालत करेगा। अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई वाले इंसानी हकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालतों में जा रहे हैं। नुमाइंदगी के लिए जेफरी रॉबर्टसन का इंतखाब किया जिसने मलून सलमान रुश्दी की भी वकालत की। क्या कोई अपनी सियासत के लिए इतना मकरूह काम भी कर सकता है। और बिजली के बिल्स और महंगाई के खिलाफ आवाम का पारा हाई। कई शहरों में मुकम्मल और कई में जुजवी हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। ताजिरों का फौरी रिलीफ देने और इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा।